कांग्रेस के भारत बंद को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि यह एकमात्र राजनीतिक बंद है, इसमें जनता का समर्थन नहीं है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। भारत बंद का आह्वान करते हुए कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा भारत बंद का असर एमपी में अधिक देखने को मिला। वहीं भाजपा के मंत्री सरकार के बचाव में उतर आए हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस द्वारा किया गया बंद पूर्णतः राजनीतिक है, जनता का इस बंद में कोई समर्थन नहीं है, कहीं पर भी बंद का प्रभाव नहीं देखा गया। देखिए, ये पूरी तरह से राजनीतिक कार्यक्रम, जनता का इससे कोई संबंध नहीं है और ये कांग्रेस का बंद है, ये जनता का बंद नहीं है और इसलिए इसका कोई कहीं पर भी कोई प्रभाव बंद का नहीं। वहीं बंद के दौरान जुलूस नहीं निकालने देने के लिए कांग्रेस के आरोपों को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि अगर कोई जो भी उपद्रव करेगा उसमें पुलिस अपना काम करेगी। नहीं, जनता ही साथ में नहीं है तो जुलूस कहाँ से निकलेगा, कहाँ पर रोका? कोई बता एक जगह फोटो का जहाँ पुलिस ने जुलूस निकलने से रोका हो, कोई एक फोटो दिखा दें जहाँ पुलिस ने रोका हुआ। कहीं तोड़ फोड़ करेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी, बाकी जुलूस रोकने पर तो कभी रोक नहीं, तो कहाँ रोका? एक जगह ना धारा 44 लगी है, कुछ भी तो नहीं है, तो निकाले ना जुलूस, कहाँ मना करता है? कहीं एक जगह का फुटेज बता दें कि जहाँ जुलूस को पुलिस रोक रही हो, कहीं नहीं, जनता ही नहीं है साथ में तो जुलूस कहाँ में निकलेगा। आखिर गृह मंत्री ने भारत बंद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सभी आरोपों पर जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।